जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। साथियों, आज नवरात्रा, पहला नवरात्रा है, पहले नवरात्र कामनाएं। बड़ा अच्छा लगा जब यहाँ हम बलराम जो शक्ति केंद्र है और फ्लोरा नागवनी पंचायत में आकर यहाँ पर जो हमारे नेता है और यहाँ की सरपंच है वंदना जी, वो हमको लेकर माता के मंदिर लेकर गए। वहाँ पर हमने माता के मंदिर में जाकर वहाँ पर नतमस्तक हुए, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद यहाँ आप सबके बीच में बैठकर भी बड़ा अच्छा लग रहा है। इस मढ़ जो हमारा मंडल है और विधानसभा है, इसमें मेरे साथ आए हुए मेरे जिला के नाथ, जम्मू के जिला के अध्यक्ष उमित भुरिया जी, बड़े सीनियर नेता हैं, मेरे भाई हैं। और उसके साथ यहाँ पर हमारी इस पंचायत की सरपंच और सीनियर लीडर वंदना जी, यहाँ बलराम शक्ति केंद्र के शक्ति केंद्र प्रमुख और यहाँ के चार पोलिंग बूथों के पोलिंग बूथ प्रेसिडेंट बैठे हैं, मेरे यहाँ पर सीनियर कार्यकर्ता बैठे हैं, बात करता रहा। और यूक्रेन के अंदर भारत के जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स थे, चाहे वो MBBS करने के लिए गए हुए थे, चाहे इंजीनियरिंग करने के लिए गए हुए थे, उनको वापस आना था। और रशिया ने सीज फायर किया। सीज फायर करने के बाद हमारे देश के वो युवा जो वहां पर पढ़ रहे थे, वो अपने घर वापस आए। और आप अंदाजा इस बात का लगाइए कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स विद्यार्थी वहां पर पढ़ रहे थे, या बांग्लादेश के विद्यार्थी वहां पढ़ रहे थे, चाहे श्रीलंका और बर्मा के विद्यार्थी वहां पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, वो लोग भी तिरंगा लेकर, वो स्टूडेंट्स भी तिरंगा लेकर, भारत का तिरंगा लेकर, भारत का झंडा लेकर वो अपने अपने देश के अंदर आए। ये करिश्मा सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ऐसे मैं तो मानता हूं कि हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम उस दौर के अंदर पैदा हुए जिस दौर के अंदर इस देश की बागडोर जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में है। साथियों, बूथ सशक्तिकरण अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश के अंदर चल रहा है। ये मई 2024 तक चलेगा। हम लोग जो है पुंछ से जो है वो जम्मू पहुंचेंगे, IIT यहाँ बना, IIM यहाँ पर बने, दो एम्स यहाँ पर आए, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर खुले, सड़कों का जाल यहाँ पर बिछ गया। हमें इतनी डेवलपमेंट 70 वर्षों में नहीं देखी जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के शासनकाल में हमने जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट देखी। पंचायतों को पावर मिली, पहले क्या था, सरपंच के पास कुछ नहीं होता था, आज सरपंच के पास अपना कैपेक्स बजट होता है जिसके तहत वो पंचायत में काम करवाते हैं। आज पंचायतों के अंदर कितने काम हो रहे हैं, सरपंच को कितनी पावरें देगी, BDC और DDC जो है यहाँ पर बने, उनको अलग से बजट दिया गया, एक 3-tier सिस्टम जो है यहाँ पर खड़ा किया। इससे पहले क्या होता, सरपंच होता था लेकिन उनके पास पावर कोई नहीं होती, BDC और DDC का चुनाव यहाँ पर कभी नहीं हुआ। साथियों, क्योंकि यहाँ के जो अब्दुल्ला परिवार था, जिनके पास यहाँ पर गवर्नमेंट रही, उन लोगों ने सारी पावर अपने हाथ में रखी। वो जितना भी दिल्ली से रुपया आता था अपनी मन मर्जी के साथ लगाता था, आज गांव के अंदर रुपया सरपंच कुछ पक्के मकान भी किराए को ही नहीं, ओदे ऊपर सारा गवर्नमेंट ने आके रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आके सानू उन्दे खराबे दे, अनु ने उनको भी खराबे देते ने। ये काम मैं तो सारे कहने गना रही हूं क्योंकि ये काम जेड़े है कीते ने, कोई भी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हुंदा, और मैं भी आदि पर मैं सरपंच आ, मैं सारे दे काम कर रहे नहीं, बड़े सारे रह गए दो ने जिन्हें नहीं गेरे ना, और जिन्हें दे जिम्मेवारियां लेनिया ना उन्हें उन उन्दे तक पुजो। जिन्हें सपोज करो ये सारे को सारे महिला मंडल बैठे है, ठीक है, ये मंदिर पूजा कीर्तन सब करा रहे, और इन्हें आंटी ना बेच बैठे दे, मैं कोई भी मैसेज होंगे मैं कर आंटी मेरी पता है, इनका इतना विश्वास है मेरी, पर इन्हें जोड़ा था मंदिर च बैठना सारे भी जी आना मेरा मैसेज दे। और सर दूसरा नंबर सारे से कुड़ी बैठी थी उम्मीद का, ये नाम बेबी है, और ये बच्ची बड़ा अच्छा काम कर रही है, और हम बड़ी जल्द उम्मीद है ग्रुप का इन्हें मतलब घर बैठे कुछ अर्न करन, ओदे टाइम एक मीटिंग की थी है, इन्हें प्रॉपर लिस्टा बनाई है ना, आज हम इन्हें ट्रेनिंग भी दे दी है जो
भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी बहुत बहुत साढ़े बच्चे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के जनरल सैकटरी और पूर्व MLC और माननीय दिवोध गुप्ता जी जिंदा राती का सुनिया एक टेलीफोन पर गलबात हुई और इन्हें गलबात होने के बाद साड़ी निकी भैन डिस्ट्रिक्ट दी वाइस प्रेजिडेंट और इस पंचायत दी सरपंच वंदना जी मैं तुरंत इन्हें कहना गलबात की थी। इन्हें भी उस हुक्म का बड़े विस्तार करना बड़ी सूझबूझ करना पालन किया तुरंत ओर गलबात करिए और अपने माता की जय भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद सांझे दरबार की जय नाम के बाद आपके नाम माता देंगे।